कंसेप्ट थे उसका हमने मीनिंग समझा, काफ़ी सारे टर्म्स थे जो हम रेगुलर लाइफ में यूज़ कर रहे थे बट उसका क्या मीनिंग था वही हमें मालूम नहीं था। तो उसका क्लैरिटी आया, उसका मीनिंग पता चला, तो अब हम रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद वो समझने के बाद जब हमने सेकेंड सेशन लिया तब हमें पता चला कि एक्चुअली जो लोग बोल रहे हैं, जो हमें एडवाइस कर रहे हैं फाइनेंस रिलेटेड, वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत ईजी हो गया था क्योंकि हमें बेसिक टर्म्स मालूम था। उसमें से हमने फर्स्ट ये सीखा कि कैश फ्लो, इनकम या इनफ्लो जो भी होना चाहिए वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, उसका एक पार्ट्स में एक्सपेंस होना चाहिए, सेविंग्स होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आउटफ्लो आपका ज़्यादा है और इनफ्लो कम है। तो इनफ्लो के हिसाब से परसेंटेज फैमिली फंड्स के लिए एलोकेट करो, इमरजेंसी फंड के लिए एलोकेट करो, जो बचा उसका इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग्स करो। सेविंग्स का हमने चार्ट बनाया था कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। PPF बहुत ज़रूरी है एज अ पार्ट ऑफ फैमिली फंड, PPF में इन्वेस्ट करो। इंश्योरेंस फ्यूचर के लिए हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए वो ज़रूरी है, तो टर्म इंश्योरेंस लेके उसका सिक्योरिटी डेवलप करो। फर्स्ट है 6 ईयर्स का इनकम का करो, फिर 12 ईयर्स, 18 ईयर्स, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे ईयरली इनकम आप कवर करते जाओ। देन इज रिस्क कवरेज, तो जितनी आपकी एज है उसके हिसाब से आप रिस्क लो, 30% है, 35% है आपके सेविंग्स का, वो रिस्क लेके इक्विटी में, शेयर्स में अलोकेट करो, म्यूचुअल फंड में डालो, बाकी का जो भी है वो सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर आपको फिक्स इनकम मिलता रहे ताकि आपका रिटायरमेंट स्मूथ हो। सेकेंड हमने सीखा कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी काटना नहीं चाहिए। हमारे लाइफ में कितने सारे ऑपरेशन आते हैं जिसमें हम गलती कर करके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को काट देते हैं, तो ज़्यादा लालची ना बन के उसको नर्चर करना चाहिए, उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। हमारा जो एटीट्यूड रहता है उसमें ही हमारे सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे वो डिसाइड होता है। तो जैसे इम्पॉसिबल वर्ड खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल, वैसे ही आप कोई भी टास्क कर रहे हो तो उसमें कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ, ग्रोथ के साथ करोगे तो आप हमेशा सक्सेसफुल होगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो इधर लिखी हुई है, एक आई रिपीट इट एज इट इज़, एक बात याद रखो कि पैसा मानवी नु सर्जन नहीं करते, मानवी पैसा नु सर्जन करे। मेनी टाइम्स हम लोग पैसे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वैल्यूज, कल्चर्स वो सब कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, बट हम लोग ने ही पैसा क्रिएट किया हुआ है, हमें ही उसको मैनेज करना है, हमें ही उसे यूज़ करना है। अच्छे काम के लिए कर सकते हैं, बुरे काम के लिए कर सकते हैं, अच्छा अच्छी जगह से पैसा आ सकता है, बुरे काम करके भी पैसा आ सकता है, तो हम लोग हैं जिसको डिसाइड करना है कैसे करना है ये सब चीज़ें। एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सबको सीखने की ज़रूरत है। 1 रुपये से 1000 रुपये हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से प्लान करके किया हुआ है, इनिशियल ईयर्स में सेविंग्स करोगे जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो आपका फ्यूचर ईयर्स में बहुत 10 times 100 times फायदा हो सकता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के पावर को समझना चाहिए और उसको अपने रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए। सपना देखना ज़रूरी है, अगर आपके पास सपना होगा तो आपको सुबह उठ के वो अचीव करने की चाह रहेगी। इसके लिए हमेशा सपना देखो और उसको अचीव करने के लिए पूरी मेहनत कर दो। घर का सपना देखा तो बिल्डिंग मिल गई, ऐसा हम लोग कहना चाहते हैं। तो कुछ भी छोटा बड़ा जो भी सपना है वो सपना देखो और उसको इम्प्लीमेंट करो। इन शॉर्ट, मेरा पैसा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे प्लानिंग करके उसको इन्वेस्ट करना है। खुद अवेयर होएंगे, खुद इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक क्रांतिकारी रिवोल्यूशन होएगा जिससे हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी।